हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन यूनिवर्सिटीज। आज मैं आपको स्टूडेंट बताऊँ, छत्तीसगढ़ पीपीटी का जो यहाँ पर एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुके हैं 2021 के लिए, वो कैसे किस तरीके से चेक करनी होती है, तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेक श्योर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनेगा छत्तीसगढ़ पीपीटी के रिलेटेड। तो आपको किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप कर रहे हैं CGPPT 2021 IAS। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको CGPPT के रिलेटेड सारे का सारा अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। सबसे पहले गूगल सर्च पर क्लिक करके सर्च करना और ये फर्स्ट और लिंक एक्जैक्टली क्लिक करना है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड अवेलेबल है 2021 के लिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 7 सितंबर को 2021 की दी गई है। क्लिक हियर टू चेक एडमिट कार्ड डिटेल्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड आउट हो चुकी है हॉल टिकट हियर 7 सितंबर को इन द छत्तीसगढ़ स्टेट में की गई। ओके, सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ जो आगे बढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 11 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो एडमिशन स्टार्ट है। UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, विवेकानंदा यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, डब्ल्यू प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, ओके, और जो आपको यहाँ पर SSIU एंड काजीरंगा यूनिवर्सिटीज में, तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई करना होता है उस किसी यूनिवर्सिटीज में जिसमें भी आपको अप्लाई करना होता है। ओके, तो आप इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको मैं आप अगर मैं आपकी जगह होता तो इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई जरूर करता, क्योंकि देश को तो आप 11 यूनिवर्सिटीज में, इसमें देश के हर एक बच्चे पढ़ने के लिए आते रहते हैं। तो आपको भी अप्लाई करना चाहिए इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटीज में। तो यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक हियर पर क्लिक कर देते हैं, आप न्यू टैब में ओपन हो जाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर टाइप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ बता देंगे इस फॉर्मेट में, डेट मंथ ईयर, ठीक है, डेट मंथ ईयर मैंने टाइप कर लिया तो कुछ इस तरीके से रहेगा। फिर यहाँ पर प्लीज एंटर कॉप, जो कोड यहाँ पर लिखा है वो मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, सेम एग्जैक्टली और यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा। तो मेरा जो आगे रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड है, रजिस्ट्रेशन आई डी डाल करके, डेट ऑफ बर्थ डाल करके फिर एडमिट कार्ड मुझे चेक करना होता है। तो कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेट कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे कुछ वीडियो फिर चेक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।